हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संयम वाइस। आज मैं आपको एक इंडियन रैम्बो की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसा सोल्जर जो खाली ब्रेव नहीं था बट वॉज ऑल्सो अ वेरी पैशनेट सोल्जर, हवलदार दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र सेनापति। एक ऐसा सोल्जर जिन्होंने हिस्ट्री रच दी। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन। हवलदार दिगेंद्र कुमार राजस्थान में पैदा हुए थे 1969। ये एक ऐसे फैमिली से आए थे जो देश सेवा में लगा हुआ था। इनकी मदर वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड फादर वॉज अ मार्टियर। दिगेंद्र कुमार ने ये लेगेसी कंटिन्यू रखी एंड मात्र 20 साल की उम्र में इन 1985 इंडियन आर्मी ज्वाइन करी, द सेकेंड बटालियन ऑफ राजपूताना राइफल्स। विद इन टू ईयर्स ऑफ हिज करियर, इनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली टू प्रूव हिमसेल्फ, टू प्रूव हिज ब्लड। ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में हुआ था, जहां पर इंडियन आर्मी की इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा गया था। इनिशियली IPKF वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू गो, द रीजन वॉज इट वॉज नॉट आर वॉर। सेकेंडली, इंडियन आर्मी आज तक कभी उस टेरेन में फाइट नहीं किया। हम हमेशा नॉर्दर्न फ्रंट्स के लिए ट्रेन थे, तो इट वॉज अ वेरी न्यू टेरेन फॉर अस। एंड थर्ड, कि एनिमीज को हमारे टैक्टिक्स के बारे में पता था एंड इट वॉज द होम ग्राउंड ऑफ एनिमी। तो इनिशियली तो जैसे मैंने आपको बताया, हम नहीं जाने वाले थे, बट हायर कमांड से ही ऑर्डर आया दैट IPKF यानी कि इंडियन आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा टू फाइट इन श्रीलंका एंड टू एनफोर्स पीस। तो ऑपरेशन पवन शुरू हुआ। ऑपरेशन पवन में हवलदार दिगेंद्र कुमार उस वक्त सिपाही थे, उनको भी भेजा गया कई सारी टुकड़ियों उसके साथ। पहले ही महीने में उन्होंने अपनी टीम के साथ 4 टेररिस्ट को मारा एंड कुछ दिन बाद वो लेफ्टिनेंट जनरल कलकट, जो वहाँ के IPKF के कमांडर थे पूरे श्रीलंकन IPKF मिशन के, उनका पर्सनल बॉडीगार्ड बना दिया। यहाँ पर वो पर्सनल बॉडीगार्ड बने और तभी एक न्यूज़ आती है 10 पैरा एसएफ की टीम को LTTE के टेररिस्ट ने घेर लिया है चारों तरफ से। एक जंगल में लगभग 100 LTTE टेररिस्ट ने 10 पैरा एसएफ के 36 सोल्जर्स को घेर लिया। जो 10 पैरा एसएफ को जानते हैं, पैरा एसएफ इज अ वेरी वेरी एलीट एंड डेडली फोर्स इन दिस प्लैनेट, वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हैं, उनको घेर लिया होगा तो व्हाट वुड हैव बीन द सर्कमस्टांसेस। 36 सोल्जर्स 100 टेररिस्ट से घिरे थे। तभी 10 पैरा एसएफ के जो कमांडर थे, उन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा दैट वी नीड रीइंफोर्समेंट, हमको राशन चाहिए, हमको एम्युनेशन चाहिए टू फाइट। तो तभी जनरल जनरल कलकट के पास ये मैसेज आता है। उन्होंने कैलकुलेशन बिठाई कि रीइंफोर्समेंट भेजने में तो टाइम लगेगा, बिकॉज ट्रैवलिंग टाइम, उनको तैयार करना, सो इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल बी टू लेट। तभी सिपाही दिगेंद्र कुमार, जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड थे, उन्हें कहा कि सर, आप जब तक रीइंफोर्समेंट भेजेंगे, उससे पहले मैं अकेले जितना एमिनेशन ले जा सकता हूँ ले जाके उनको दे देता हूँ एंड आई विल टेल देम दैट द रीइंफोर्समेंट इज़ ऑन द वे। वेल, जनरल कलकट वॉज गुड एट रीडिंग माइंड्स, तो उन्होंने कहा कि ये कहीं तुम जोश में होश होने वाली बात तो नहीं कर रहे। सिपाही दिगेंद्र कुमार ने बोला दैट सर, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, यही तो ट्रेनिंग दी है मैंने। तो उनका जोश देख के उनको अच्छा लगा। उन्होंने इमीडिएटली बोला 50 किलो एमिनेशन सिपाही दिगेंद्र कुमार को दिया जाए एंड वो वहाँ पर जाएंगे और उनको देख के आएंगे। एक अकेले बंदे का वहाँ जाना वुड बी नो डाउट अ रिस्कियर ऑप्शन, बट इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा भी नहीं था। वो फटाफट निकले, एक बोट में उनका 50 किलो एमिनेशन दिया टू मीट द टीम ऑफ 10 पैरा एसएफ, जो उस वक्त चारों तरफ टेररिस्ट से घिरी हुई थी। वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने 10 पैरा एसएफ को वो एमिनेशन दिया, वहाँ पर एमिनेशन डंप को भी उड़ा दिया एंड पूरा मिशन का जो सिचुएशन थी बदल गई। 10 पैरा एसएफ ने LTTE के 38 टेररिस्ट को मार गिराया। 100 वहाँ से भाग गए। वहाँ का माहौल देख के टेररिस्ट डर गए कि एकदम से पैरा एसएफ को हुआ क्या है, ये तबाही तबाही क्यों मचा रहे हैं। जिससे पहले रीइंफोर्समेंट आती, उससे पहले तो ऑपरेशन ख़त्म करके रख दिया। ऐसा खतरनाक ऑपरेशन के हिस्से थे सिपाही दिगेंद्र कुमार। पहले उनका टेन्योर इन श्रीलंका गॉट ओवर एंड वापस इंडिया आए एंड अब चलते हैं 1993 के मिशन के बारे में। 1993 में वो कुपवाड़ा में पोस्टेड थे इन जम्मू कश्मीर। वहाँ पर एक सो कॉल्ड एरिया कमांडर था एक टेररिस्ट ग्रुप का, मस्जिद खान। उसने ओपनली इंडिया और इंडियन आर्मी को एक थ्रेट दिया। द थ्रेट वॉज कि तुम मेरे किसी भी एक टेररिस्ट को हाथ लगा के दिखाओ, मैं काट के रख दूंगा। ये बात नायक दिगेंद्र कुमार, उस वक्त वो नायक बन चुके थे, नायक दिगेंद्र कुमार के अंदर नहीं डाइजेस्ट हो पाए। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग एक खबर आती है, मस्जिद खान इज डेड, ही शॉट बाय 2 बुलेट्स इन हिज हेड। नायक दिगेंद्र कुमार ने अपनी टीम के साथ जाके वो ऑपरेशन किया एंड मस्जिद खान को सही जगह पे पहुंचा दिया। इस ऑपरेशन के लिए नायक दिगेंद्र कुमार को सेना मेडल फॉर गैलेंट्री मिला।
एंड ऐसे ही उन्होंने 1994 में ऑपरेशन हजरगल में भी पार्टिसिपेट किया एंड ऐसे कई सारे ऑपरेशन करे इन कश्मीर। बट हु न्यू कि जो अभी नेक्स्ट बैटल वो फाइट करने वाले हैं उनमें हवलदार दिगिंदर कुमार जैसे की भी ब्रेवरी टेस्ट होगी। इन 1999 ही फॉट बैटल ऑफ टोलोनी। 1999 में कारगिल वॉर हुई थी जैसा आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एंड टोलोनी एक ऐसी पीक थी जिसको कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, अ वेरी वाइटल पोजिशन। टोलोनिंग के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी बैठी थी और उसको कैप्चर करना इसलिए इंपॉर्टेंट था नॉट जस्ट बिकॉज इट वॉज आर लैंड बट मोर इम्पॉर्टेंटली टोलोनिंग से आपको मशकिन वैली, टाइगर हिल एंड मोस्टली NH-1A नेशनल हाईवे 1 अल्फा बड़ी क्लियरली दिखता था। NH-1A वो एक ऐसा लिंक पॉइंट था जहाँ से सारे राशन, सारे एम्यूनेशन, सारा लॉजिस्टिक्स जाता था और वहाँ से टोलोनिंग के ऊपर से NH-1A क्लियरली दिखता था, एट एनी टाइम दे कैन ब्लॉक। तो बैटल ऑफ टोलोनिंग को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। उस वक्त वो द्रास सेक्टर में पोस्टेड थे और उनकी पूरा जो यूनिट थी एंड सेकेंड राजरिफ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली गई अलॉन्ग विद अदर यूनिट्स टू फाइट बैटल ऑफ टोलोनिंग। नाउ बिगिंस बैटल ऑफ टोलोनिंग। लगभग 3 हफ्ते की लड़ाई जो कि 13 जून की सुबह 4 बजे ख़त्म हुई जब इंडिया का झंडा वहाँ फहरा रहा था। ये May 23 को शुरू हुई प्रिसाइसली, जहाँ पर पहली टुकड़ी 18 ग्रेनेडियर्स की भेजी गई। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पाकिस्तान आर्मी की जो पोजीशन थी वो एक हाई पॉइंट पर थी और इंडियन आर्मी की जो 18 ग्रेनेडियर्स की यूनिट्स भर रही थी आगे वो एक लोअर एंड से भर रही थी। ऑब्वियसली बात है वहाँ से ऊपर ऐसे अगर वो पत्थर भी फेंकते थे इट इज़ एज इक्वल एज बुलेट, एक बुलेट की तरह हिट करता था वो पत्थर भी। तो हमारी जब नई 18 ग्रेनेडियर्स की टुकड़ी ऊपर चढ़ रही थी उनको हैवी कैजुअल्टी फेस करनी पड़ी, मिशन को वापस रीप्लान करना पड़ा, कुछ चेंजेस करे एंड सेकेंड राजरिफ को ये मौका मिला टू फाइट बैटल ऑफ टोलोनिंग। सेकेंड राजरिफ वर्सेस 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ऑफ पाकिस्तान। हमारी जो सेकेंड राजरिफ की टीम थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, अभिमन्यु, भीम और अर्जुन। पहली अभिमन्यु टीम आगे से चढ़ेगी, दूसरी टीम भीम पीछे से चढ़ेगी और अर्जुन जो तीसरी टीम थी दोनों पार्टीज को कवर देगी। अब भीम जो टीम पीछे से चढ़ रही थी इट इज़ सच अ यूनिक ऑपरेशन क्योंकि आप सोचिए पाकिस्तान ने भी कभी इमेजिन नहीं किया था टोलोनिंग हिल से कोई पीछे से चढ़ सके। इट वॉज फ्लैट, पीछे से चढ़ना इट वॉज लाइक खाई, 15,000 फीट के ऊपर आप पीछे से चढ़ रहे हो, नीचे देखते हो 5,000 मीटर की खाई दिखती है अगर आप गिरते हो, अगर आप पत्थर फेंकोगे वहाँ से तो 1-2 मिनट बाद दिखेगा नहीं पत्थर, इतना हाइट थी। टेम्परेचर्स वर इन माइनस एंड ऑफकोर्स दे हैड टू फाइट एनिमी। तो सेकेंड राजरिफ को ड्यूटी दी गई। ये 9th और 10th जून को ऑपरेशन शुरू हुआ जब सेकेंड राजरिफ को भेजा गया। इसमें मेजर विवेक गुप्ता जैसे ऑफिसर्स लीड कर रहे थे भीम टीम को पीछे से। इसमें एक सेक्शन यानी कि 10 जनों की टुकड़ी गई पीछे से, ज़्यादा लोगों को नहीं ले जा सकते थे ऑफकोर्स जहाँ कम थी पीछे। आगे से टीम अभिमन्यु टीम ने मार्च करना शुरू किया, भीम टीम ने पीछे से मार्च करना शुरू किया एंड ऑफकोर्स अर्जुन टीम दोनों को कवर दे रही थी। ये लोग चढ़ते रहे बहुत टाइम लग गया, लगभग 14 घंटे लग गए ऊपर तक पहुँचने में। जब ये एनिमी से एक सेफ दूरी पर थे, डिसाइडेड दूरी जो पहले से हुई थी ऑपरेशन को फाइट करने से पहले, तो एक सेफ दूरी पे ये लोग थे एंड उन्होंने बेस को इन्फॉर्म किया दैट वी हैव रीच्ड टू आर डिजायर्ड लोकेशन। अभिमन्यु टीम ने भी यही किया एंड अर्जुन टीम ने भी यही किया। तभी एट 1800 आवर्स इट वॉज साइलेंस बिफोर स्टॉर्म। अटैक्स सारे रात को होते हैं, ये 12 जून की रात हो गई थी। 1800 आवर्स पर नीचे से इंडियन आर्मी ने 120 गन्स तोप खाने को, आर्टिलरी गन्स को ओपन फायर कर दिया ऑन पाकिस्तानी बंकर एट बैटल ऑफ एट टोलोनिंग। 120 आर्टिलरी गन्स ने फायर किया फ्रॉम 155 mm टू 130 mm टू 105 mm, तहस नहस कर दिया। शेल्स आफ्टर शेल्स ऑन द रिजेस, तहस नहस, पूरा तबाही कर दी थी। ये देख के पाकिस्तानी आर्टी ने भी अपनी फायरिंग खोल दी एंड वहाँ से भी फायर होने लगा। बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि 120 आर्टिलरी गन्स जब फायर कर रही थी तो क्या होगा। ऑफकोर्स 1-1.5 घंटे बाद फायर रोका गया एंड नाउ इट वॉज द टीम्स विच आर वेटिंग फॉर राइट टाइम टू गो एन अटैक टू ओपन फायर ऑन द बंकर्स। लगभग रात के 11 बज चुके थे। मेजर विवेक गुप्ता की टीम में 9 जने और थे और उसमें हवलदार दिगिंदर कुमार भी थे, एक LMG की ग्रुप को लीड कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया, मेजर विवेक गुप्ता ने बोला हवलदार दिगिंदर कुमार सबसे पहला बंकर लेगा, सूबेदार एक JC और थे वो सेकेंड बंकर लेंगे, मेजर विवेक गुप्ता खुद 3rd बंकर लेंगे और ऐसे सब में बंकर्स बांट दिए थे। एंड 12 जून की रात 11 बजे राजा रामचंद्र जी की जय कम वॉर कराए लगा के धावा बोल दिया सारे बंकर्स पे पाकिस्तानी आर्मी।
पहले बंकर में हवलदार दिगंदर कुमार गए, उन्होंने एलएमजी निकाली टेररिस्ट की, ग्रेनेड धड़ाक बम, ग्रेनेड तोड़ा, एक ग्रेनेड, दो ग्रेनेड, तीन ग्रेनेड। उधर से मेजर विवेक गुप्ता जी ने दूसरे बंकर पर अटैक करने लग गए। ऐसे सब ठक 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 अटैक करने लग गए। पाकिस्तानी आर्मी का जो वहाँ पर 5th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री कंपनी कमांडर थे मेजर अनवर खान, वो ऊपर एक बंकर पर बैठे हुए थे एंड ही वॉज वॉचिंग एवरीथिंग, फायरिंग ऑन आर सोल्जर्स। हम ग्रेनेड आफ्टर ग्रेनेड फोड़ने लग गए। तभी हवलदार दिगेंद्र कुमार को बुलेट्स लगती हैं, तीन बुलेट्स ऑन हिज, वन ऑन हिज लेफ्ट हैंड, टू ऑन हिज चेस्ट, एंड उन्होंने फटाफट अपने आप को फर्स्ट एड किया। तब तक अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे जो उसमें सेक्शन में जीसीओ थे शहीद हो चुके थे, वीरगति प्राप्त हो गई थी उन्हें, एंड उन्होंने ये देख के उनका और खून खौला, दूसरे बंकर में गए, ग्रेनेड फोड़ा, तीसरे में गए, चौथे में गए। पूरी टीम ने उनके लगभग सुबह के 2-3 बज गए थे और 11 के 11 बंकर्स उड़ा दिए। जो हवलदार दिगेंद्र कुमार थे उनका एक साथी जो था वहाँ पर नीचे गिरे हुए थे, ही वॉज हैवीली इंजर्ड, एंड उन्होंने कहा कि दिगेंद्र ये लोग हमको गालियाँ दे रहे हैं, हमने इनको हरा तो ऑलरेडी दिया है पर इनका जो कंपनी कमांडर है वो गालियाँ दे रहा है, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, मेजर अनवर खान जिंदा नहीं बचना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ऑफकोर्स हवलदार दिगेंद्र कुमार हिमसेल्फ वॉज ऑल्सो क्वाइट इंजर्ड, उनकी बुलेट्स लगी हुई थी। उनके साथी ने उनको अपनी LMG दी और उसको बोला कि इसको बता दे कि हम ये किससे पंगा ले रहा है। हवलदार दिगेंद्र कुमार बंकर के बाहर निकले, उन्होंने मेजर अनवर खान की पोजीशन देखी। अनफॉर्चुनेटली तब तक हमारे 9 अदर ब्रेव सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हो गए थे, इंक्लूडिंग मेजर विवेक गुप्ता। उनका खून वैसे ही खौल रहा था हवलदार दिगेंद्र कुमार का, वो बाहर गए और उन्होंने ट्रिगर दबाया, गन अटक गई, गन चली नहीं, और ये चीज़ मेजर अनवर खान ने देख ली। उसने अपनी पिस्टल निकाली और फायर किया हवलदार दिगेंद्र कुमार को, एंड तभी उनके LMG ने फायर कर दिया बैक, एंड उनकी वो बुलेट तो लगी दिगेंद्र कुमार की, बट मेजर अनवर खान की भी हाथ में बुलेट लगी, पिस्टल उड़ गई, वो दोनों की गुत्तम गुत्तम की लड़ाई हो गई, एंड फाइनली मेजर अनवर खान ऊपर पहुंच गया था। सुबह 4 बजे 13 जून की टोलोलिंग हमारे पास आ गई थी, इंडिया का फ्लैग निकाला और उन्होंने लगाया, एंड वी फाइनली वन द बैटल ऑफ टोलोलिंग। मेजर आचार्य, मेजर विवेक गुप्ता, मेजर सक्सेना, ऐसे कई महायोद्धा को हमने इस युद्ध में खो दिया, कैप्टन विजय थापर जैसे यंग ऑफिसर्स को हमने खो दिया। हम बैटल ऑफ टोलोलिंग जीत तो ज़रूर गए थे बट एट अ वेरी हाई कॉस्ट, इट वॉज अ ब्लडी बैटल। ऐसे योद्धाओं से हम एक चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं, दैट ब्रेवरी इज नॉट बींग फियरलेस बट कंट्रोलिंग योर फियर। ये 20-25 साल की उम्र में अपनी जान न्योछावर कर गए, वी शुड सल्यूट दैम। जय हिंद।